हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माझी सर। कितने दिनों के बाद मैं कैमरा लेके बैठी हूँ और बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो घर पे तो मैं हूँ नहीं, मैं कहाँ हूँ, अपने सिस्टर के घर पे हूँ, वो सामने में बैठी है और मैं तोड़ रही थी ये भाजी। उसी की सब्जी बनाएंगे, वो हार भाजी बोलते हैं ना इसको, छत्तीसगढ़ की फेमस भाजी है ये, बस इसी को बनाने वाले हैं। तो रेसिपी तो मैंने मेरे ख्याल से मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, देखती हूँ अगर हो पाएगा तो हो पाएगा, क्या मैं करना चाहूँगी तो सब होगा, लेकिन मैं करना नहीं चाहती, आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, तो आप लोग फिर ब्लॉग पर बने। हाय गाइस, काफ़ी दिनों के बाद हम जा रहे हैं मार्केट, तो मुझे लगा मैं वीडियो शूट कर लूँ, तो वही कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं मार्केट, ये देखो तालाब का नज़ारा, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। सो आप लोग व्लॉग पे बने रहो, साइड हो जाओ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ओके। सो एवरीवन, मेरा सफ़र जो था वहीं तक का था, अब मेरी लाइफ का एक नया सफ़र स्टार्ट हो रहा है और मैं जा रही हूँ मुंबई। यस, तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ नेचर, वो है मुंबई रूट का। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ, और सच बताऊँ तो मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि यार मैं छत्तीसगढ़ से कभी बाहर निकल पाऊँगी। लेकिन ऐसा होता है ना कि जो होना रहता है वो लिखा रहता है, पहले से होके रहता है, और जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है, और जो होता है मंजूर खुदा होता है। तो इस चीज़ को मैं काफ़ी मानती हूँ। और ये है फाइनली मुंबई, हम पहुँच चुके हैं। तो मुंबई में कुछ काम है, हम कुछ टाइम पे यहाँ पे रुकेंगे और जो भी चीज़ें देखने लायक हैं हम देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को भी दिखाऊँ अगर पॉसिबल होता है तो, क्योंकि हर जगह पे ऐसे ऑन कैमरा सही नहीं लगता। अगर हाँ कोई रहे रिकॉर्ड करने वाला तो अच्छा लगता है, लेकिन आप खुद से कहीं घूमने जा रहे हो तो खुद से सारी चीज़ें आप खुद को दिखाओगे या बाकी सी सारी चीज़ों को दिखाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो फाइनली हम मुंबई पहुँच चुके हैं और ये देखो इतना अच्छा अच्छा सीन दिखाई दे रहा है। ऐसा मैं जनरली टीवी में देखती थी मुंबई कैसा है क्या है, लेकिन अब ऐसे खुली आँखों से देखने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और गाइस, अभी मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ से लाइफ का एक नया जर्नी स्टार्ट हुआ है मेरा, और मैं अभी फ़िलहाल छत्तीसगढ़ में नहीं रहती, मैं रहती हूँ महाराष्ट्र में। तो बस महाराष्ट्र पहुँचने के लिए हम लोगों ने ये सफ़र तय किया, तो मैंने सोचा आप लोग को बता दूं। और आप लोग काफ़ी शिकायत भी कर रहे हैं यार कि महीने में एक बार या एक दिन आप वीडियो अपलोड करोगे तो कौन सब्सक्राइब करेगा। आई नो दैट आपका कहना सही है, बट क्या करूँगा, इस मैं कोशिश करती हूँ कंटिन्यू आने की। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं, ये देखो ये है मुंबई का वो समुद्र जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो ये सामने मेरा भाई जा रहा है, पीछे दमान जी जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ रिकॉर्ड करते करते। तो यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें हैं खाने के लिए, ये देखो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी भीड़ है। भीड़ वैसे बहुत कम हो गई है क्योंकि हम लोग को पहुँचने में लेट हो गया, थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। और मामा जी भी हैं, मामा जी ही हमको लेके गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा सीन है यार, सच में ऐसे खुले आंखों से देखने में जो मज़ा है ना, मैं क्या बोलूँ। जिन लोग इस तरीके से सफ़र करते हैं उन लोगों को अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पे देखो ये सीन, तो यहाँ पे मैंने फाइनली दमान जी को दिया मोबाइल कि थोड़ा सा कुछ तो दिखा दो ताकि मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ और बस ऐसे ही देख के घूम के हम घर चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे से कितनी अच्छी लहरें आ रही हैं, क्या बोलूँ क्या ही बोलूँ मैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसके बाद फाइनली गाइस हम आ चुके हैं महाराष्ट्र, जो है हमारा गांव, यहाँ पे हम परमानेंट सेटल हो गए हैं और बहुत अच्छा है, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ से बेटर देन बेटर मुझे
महाराष्ट्र लगा। सॉरी, मैं छत्तीसगढ़ की बुराई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ मेरा गांव है, सब कुछ है, लेकिन ये यहाँ भी मेरा सब कुछ है, मेरा घर है, यहाँ पे मेरा घर है ये मैं बोल सकती हूँ। तो महाराष्ट्र बहुत अच्छा है, ये है महाराष्ट्र और ये है मेरे घर का सीन, सामने का सीन। तो कभी किसी व्लॉग में मैं आप लोगों को अपना होम टूर ज़रूर करवाऊंगी। गाइस, कहाँ हूँ, कैसी हूँ, कैसे आई हूँ, जो हो सकेगा मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। ओके, तो अभी मैं आप लोग के साथ एक प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। तो ये है दूसरे दिन का सीन। तो मैंने मंगवाया है इस्टिमियो का नेचुरल वैक्स, जो कि जिसको यूज़ करने से ना काफ़ी ज़्यादा स्किन स्मूदिंग हो जाती है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेंशन है और ये इस्टिमियो का प्रोडक्ट वैसे भी नेचुरल रहता है, नो पैराबिन, नो केमिकल। तो आप लोग यूज़ ज़रूर ज़रूर करो और इससे ना आपको घर पे ही आप वैक्सिंग कर सकते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग माधिस वर्ल्ड में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आप लोग कैसे हो? आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे जहाँ कहीं भी होंगे, और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और खा खा के पहले से ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। आप लोग मुझे जब देखेंगे तो आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा, है ना। तो आज का दिन, वैसे दिन क्या बोल रही हूँ मैं, आज का मौसम बहुत अच्छा है हमारी तरफ, आपकी तरफ कैसा है आप लोग ज़रूर बताना। और मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाला था तो आप लोगों का मुझे प्यार और सपोर्ट नहीं मिला, तो आप लोगों से मैं शिकायत करना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करो। आप लोग वीडियो वॉच करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ 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 ज़रूर करो, क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते। हाँ आई नो, रिचार्ज कराने के पैसे लगते हैं लेकिन सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज देखते हैं क्या क्या काम है, और वैसे तो सारा काम हो चुका है लेकिन बहुत सारा काम बचा भी है मेरा। और अभी मैं करने वाली हूँ वैक्स इस्टिमियो के प्रोडक्ट से, पेनलेस हेयर रिमूवल क्रीम है मेरे पास, तो उससे मैं अपना जो हेयर है वो निकालने वाली हूँ। बहुत अच्छा वर्क करता है ये, स्किन बहुत स्मूथ हो जाती है और बिना किसी पेन के आपके स्किन से हेयर रिमूव हो जाता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अभी चलो हम ट्राई करते हैं और देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। ओके, सो लेट्स गो। सो यहाँ पे मैंने इसको अनबॉक्स तो कर दिया था, अब मैं आ चुकी हूँ किचन पे और बस इसको निकाल रही हूँ। और इसका पैकेजिंग बहुत अच्छा है, ट्रैवल फ्रेंडली है, तो आपको जितना लगेगा आप उसके अकॉर्डिंग इसको निकाल लीजिए। तो मैंने कुछ दिन पहले ही वैक्स किया था तो मुझे मैंने सोचा कि चलो मैं पहले आधा यूज़ करती हूँ, क्योंकि उतने हेयर है नहीं हैंड पे फुट पे। तो बस मैं इसको पानी से घोल ले रही हूँ और एक थिक सा पेस्ट आपको बनाना है। आप चाहे तो इस्टिमियो का रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइस। इस्टिमियो का मैंने काफ़ी सारा प्रोडक्ट यूज़ किया है और अभी भी मैं कर रही हूँ। नेचुरल होता है, सेफ होता है, काफ़ी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसमें होते हैं, सेफ, तो आप जरूर। सो गाइस, फाइनली हमारा जो पैक है वो हो गया है रेडी, ये देखिए। और मैंने इसको हाफ लिया है, ये पूरा डिब्बे का मैंने यूज़ नहीं किया है, बिकॉज मैंने कुछ दिनों पहले ही हेयर रिमूव किया था अपने हैंड का और फुट का, तो इसलिए मैंने आधा ही लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतने में ही हेयर रिमूव हो जाएगा, तो ये सेकंड टाइम का काम आएगा, इसलिए मैंने सारा यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ। आप इसको गुलाब जल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इस्टिमियो का गुलाब जल बहुत अच्छा रहता है, मैंने पहले यूज़ किया है, तो आप बेशक इसको ख़रीद सकते हैं और गुलाब जल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपल से वाटर में घोला है और अब मैं बस इसको अप्लाई करने वाली हूँ अपने हाथ पे और पैरों पे। तो बस चलते हैं हम रूम पे। ओके, तो यहाँ पे फाइनली मेरा पेस्ट बन चुका है और मैं पहले लगा रही हूँ इसको अपने पैरों पर। तो मैंने पहले चम्मच पे ट्राई किया था तो मुझे वो मेरे से वो जम नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो चम्मच चम्मच को साइड पे रखते हैं, अपने हाथों से ही लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट अपने पैरों पर इसको लगा ले रही हूँ, दोनों पैरों पर लगाना है और दोनों हाथों पर मुझे लगाना है। ओके, तो देखते हैं। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और इसका लाइव रिज़ल्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो और सब्सक्राइब प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं यार, पता नहीं क्या हो गया है, क्या साफ सुन गया है मेरे चैनल को, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। आई नो मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ तो इसमें मेरी गलती है, इसमें साफ सुनने वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी गाइस प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए यार, सब्सक्राइब करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ पे मेरे पैरों को मैंने लगा दिया अच्छे से, अब मैं लगा रही हूँ हाथों पे अच्छे से। तो हाथ मैंने ये ऐसा फुल स्टीन वाला टॉप नहीं, कुर्ती पहना था, तो मैंने ऐसे हाफ पोर्शन पे लगाया, आप पूरे हैंड पे अच्छे से लगा सकते हैं। सो गाइस, मेरे हाथों में
पैरों में मैं सब मैंने लगा लिया है। और इसको रखना है आपको 10 से 15 मिनट, तो मैं इसको 15 मिनट रखने वाली हूँ, उसके बाद धोऊंगी और धोने के बाद दिखाती हूँ आप लोगों को इसका रिजल्ट कैसा आता है। ओके लॉक पे। सो गाइस 15 मिनट हो चुके हैं, बहुत हद तक ये सूख चुका है, तो मैं सोच रही थी इसको अब निकालने का और मैं सीधे इसको धोने वाली हूँ। आप ऐसे थोड़ा सा गीले कपड़े से पहले इसको पोंछ सकते हैं, उसके बाद आप इसको धो सकते हैं, बट मैं जा रही हूँ सीधे बाथरूम के अंदर इसको धोऊंगी, तो आप भी चलो भाई मेरे साथ, देखते हैं फिर रिजल्ट। ओके चलो। सो एवरीवन, आप देख सकते हैं ये सूख चुका है और थोड़ा सा मुझे खिंचा खिंचा लग रहा था स्किन, तो मैंने सोचा यार चलो इसको धोते हैं। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ बाथरूम पे और यहाँ पे मैं आपको लाइव रिजल्ट देने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार चलो सब कुछ आपको दिखाते हैं। और इसको ऐसे ही आपको हल्के हल्के हाथों से रब करके निकालना है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो कैमरा है वो अच्छे से दिखाए आपको, कैप्चर करे और ये कैसे हेयर को रिमूव करता है वो भी चीज़ें आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे गाइस जो हेयर है ना, ऐसे रब करोगे तो धीरे धीरे निकल जाते हैं, तो सोचो कितने फ़ायदे की बात है, आपके पैसे भी बच गए, आपको सैलून में जाके घंटों बैठने की ज़रूरत नहीं है और आपके पैसे तो बच ही गए, है ना। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको बिल्कुल भी कहीं से कोई भी दर्द नहीं होने वाला है, ना ही आपका स्किन ख़राब होने वाला है, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोगों को वैक्स सूट नहीं करता। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि ये वाला आप लोग ज़रूर ट्राई करो, बहुत अच्छा है। और इसको लगाने से स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई थी, हेयर भी अच्छे से रिमूव हो गए थे। तो बस इसको मंगा लो। और कहाँ कहाँ से आप परचेस कर सकते हो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा और आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करो, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा। और बजट फ्रेंडली है, ट्रेवल फ्रेंडली है, स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मैं कहाँ कहाँ पर पैर को रख के धो रही हूँ आप देख ही सकते हो। तो हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने सिल्वर या गोल्ड का कुछ भी हाथ में या पैर में पहन रखा है तो उसको आप रिमूव करके ये वाला टेस्टिंग करें। ओके, तो फाइनली मेरा हाथ पैर धुल चुका है, तो चलो अब हम पोंछ लेते हैं। तो पोंछने के टाइम आप देख सकते हो ये कितना शाइनिंग कर रहा है मेरा स्किन। सो गाइस फाइनली मेरा काम हो गया खत्म, हेयर बहुत अच्छे से रिमूव हो गए हैं, आप देख सकते हो मेरा हाथ कितना चिकनू चिकनू दिख रहा है। वैसे तो मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया, तो बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथिंग लग रहा है मेरा स्किन। और वैक्स करवाने से अच्छा है पार्लर में जाके पैसे खर्च करने से अच्छे हैं, आप घर पे पेनलेस रिमूव कर सकते हो अपना हेयर। ओके, और बहुत सॉफ्ट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तो आप लोगों को मैं बोलूँगी कि आप लोग जरूर ट्राई करो। ओके, और बहुत फटीचर जैसे दिख रही हूँ मैं, मूड हुई हूँ, पोछा नहीं है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और तो चलो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इस लव यू, टेक केयर, बाय।